अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सज्जाद टाइल डिज़ाइन। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को वेलकम करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक किचन की जो वीडियो है वो लेके आए हैं कि किचन में टाइल कैसे लगाते हैं। और ये टाइल नया डिज़ाइन है जो कि फिट किया गया है, तो हम आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात देने वाले हैं। और किचन की इस टाइल के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये जो टाइल है इसका साइज़ जो है वो 12x24 है। और इस टाइल को जो है वो लगाने के लिए हमने जो है वो केमिकल का इस्तेमाल किया है, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। और इसको लगाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो दीवार है उसकी सतह बिल्कुल साफ़ है, और इसके ऊपर कहीं पे पेंट वगैरह या कोई जो है वो इसके ऊपर कचरा वगैरह नहीं है। तो सतह जो है वो बिल्कुल साफ़ है। और इसकी जो स्लैब है वो किचन की हमने लगा दिया स्लैब के ऊपर। पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे टाइल और 2 फिट इसके ऊपर हम लगाएंगे, और उसके ऊपर एक जो है 2 इंच का बॉर्डर भी लगाएंगे। तो इस टाइल को जैसे ही 2 फिट मुकम्मल होगी, इसके जो लेवल है उसके हिसाब से हम चारों तरफ इसके बराबर जो है वो टाइल लगा देंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि अभी टाइल की फिटिंग का जो है वो स्टार्ट काम हो चुका है, और इस टाइल को जो है वो फिट कर दिया गया है। और दोस्तों इसको जब आप फिट करते हैं तो फिट करते समय ही आपको पता चल जाता है कि टाइल जो है वो अंदर से खाली है या केमिकल से भरपूर है। तो जब आप इसको भरपूर तरीके से लगाएंगे तो ये टाइल जो है इसकी मजबूती देर पाओगी, और जहाँ पे भी कोई मसला मसाला है पहले उसको जो है वो ख़त्म करें, उसके बाद जो है वो टाइल की फिटिंग करें। और टाइल जब सतह के साथ अच्छी तरह चिपक जाती है तो इसका मतलब है कि टाइल जो है वो अपनी जगह पे मजबूती के साथ लग चुकी है। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी जो है वो टाइल की जो है वो फिटिंग एक ही कर दी गई है, उसके साथ ही अभी जो है ये काम पूरा जो है वह चारों तरफ फैल जाएगा और टाइल जो है वो चारों तरफ लगा दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने का जो तरीका वो यही कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि एक कोने में जो है वो पहले एक खत जो है वो लगा दिया जाएगा, एक खत के बाद उसके ऊपर दूसरा खत जो है वो फिट किया जाएगा। तो इसको जो पहला खत है इसको आपने बिल्कुल लेवल में करना है। जब आप लेवल में करेंगे तो ऊपर आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप मुकम्मल दीवार लगाएं या एक टाइल लगाएं या 2 फिट तक लगाएं, लेकिन जो आपकी बेस है उसका लेवल एकदम ठीक होना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि अभी कोने में जो है वो फिटिंग कर दी गई है और इसको एकदम जो है वो लेवल के साथ लगा दिया गया है। तो अभी इसके बाद जो है वो आप इसके ऊपर टाइल लगाएंगे। और दोस्तों किचन में जो है वो टाइल आपको मुकम्मल दिखाई जाएगी कि ये टाइल लगकर कैसी रहेगी, इसमें मोटिव भी हैं, और ये मुकम्मल सेट जो है आपको दिखाया जाएगा कि इस किचन की हमने कैसे तैयारी की है। और इसको तैयार करते हुए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। और ये टाइल मुकम्मल आपको दिखाई जाएगी कि इस टाइल को कैसे फिट किया गया और इसकी जो शेप है वो कैसी लग रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि किचन का जो मोटिव है मुकम्मल वो आप देख सकें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक टाइल जो है वो लग रही है। और दोस्तों जब ये टाइल जो है किचन की मुकम्मल हो जाएगी और इसका मोटिव वगैरह लग जाएगा तो देखिएगा कि ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है किचन की टाइल का बनेगा। और दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें। और दोस्तों अभी इसका जो कोना है उसमें 2 टाइल जो है वो लगा दी गई हैं, लेकिन टाइल में जब फ़र्क होगा तो उसको लाजम तौर पर जो है उसको ठीक कर दिया जाएगा ताकि किसी किस्म का जो है वो फ़र्क ना रहे कोने में। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि इसका जो है वो कोना वो लगा दिया गया है, और
इसको ना लगाने के बाद अभी इसका जो है वो जो दीगर टाइल्स हैं वो उनको लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये टाइल जो जब आप जब भी टाइल जो है वो लगानी शुरू करें तो इससे पहले आप जिस सतह पे टाइल लगा रहे हैं वो सतह बिल्कुल जो है वो साफ़ होनी चाहिए। उसके ऊपर जो है वो पेंट वगैरह या पुराना जो कचरा है उसके ऊपर ना लगाओ और वो एकदम साफ़ हो। ये दीवार जो जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं किचन में, ये तो बिल्कुल जो है वो नई दीवार है, लेकिन बाज़ अवकात पुरानी दीवारों पर भी टाइल जो है वो लगानी पड़ती है। तो पुरानी दीवारों पर जब आप टाइल लगाएंगे तो उसके ऊपर जो पेंट वगैरह है वो आपने पूरा उतारना है और उसकी सतह को बिल्कुल साफ़ करना है। नीचे से जो है वो सीमेंट नज़र आना चाहिए। और जब आप नई दीवार लगा रहे हो तो उसके ऊपर जो है वो पेंट तो नहीं लगा होता, लेकिन और जो है वो कचरा वगैरह ऊपर होता है, सीमेंट के छोटे छोटे ज़र्रा जो है वो होते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से पहले सफाई करें। सफाई करने के बाद आप उसके बाद जो है वो टाइल लगाना शुरू करें। और अगर आप केमिकल से लगा रहे हैं तो भी बेहतर, और अगर आप सीमेंट से लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने दीवार को थोड़ा पानी जो है वो ज़रूर लगा लेना है। और दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि वन बाय वन जो है वो टाइल मुकम्मल की जा रही है और हम आपको पूरा जो है वो प्रोसेस दिखा रहे हैं कि किचन का मोटिव जो है वो कैसे तैयार होगा। और दोस्तों बस आप हमारे साथ जुड़े रहें तो हम आपको जो है वो मुकम्मल इस वीडियो में इसकी जो टाइल है वो मुकम्मल दिखाएंगे। और दोस्तों अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो टाइल जो है वो लगा दी गई है और एक एक टाइल को सही तरीके पर उसकी जगह पर जो है वो फिट करने के लिए बहुत गौर से जो है वो टाइल लगाना पड़ती है। आप इसको जो है वो बहुत ध्यान और तरीके से जो है वो टाइल को लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और इसकी आपने मजबूती को भी देखना होता है और इसके साथ साथ इसकी जो है वो आपने खूबसूरती को भी देखना है, मजबूती को भी देखना है और आपका खत जो है वो एकदम सीधा लगे। और दोस्तों जब भी टाइल का काम होता है तो इसमें जो सफाई है ना वो बहुत ज़रूरी है, और जितनी आप फिनिशिंग ये देखे करेंगे उतनी ही टाइल जो है वो खूबसूरत नज़र आएगी। और जैसा कि ये देख रहे हैं कि एक खत जो है वो तकरीबन एक दीवार में लगा दिया गया है और उसके ऊपर आप ये देख रहे हैं मोटिव जो है वो भी लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जितनी आप अच्छे तरीके से लगाते हुए इसकी सफाई करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इसके ऊपर जो है वो बॉर्डर का काम जो है वो जारी है, तो बॉर्डर जो है वो हमने जो है वो लगाया 2 इंच, इसकी जो है वो 2 इंच का है और इसकी जो लेंथ है वो 24 इंच है, यानी 2 फिट है। तो दोस्तों अभी आप जैसा देख रहे हैं कि इसका मोटिव जो है वो भी लग चुका है और इसकी जो है वो टाइल भी हमने लगा दी और इसके ऊपर जो बॉर्डर है उसके भी फिटिंग कर दी गई है। तो दोस्तों जैसे इसकी फिटिंग हुई है तो आप देखें कि कितना जो है वो खूबसूरत जो है वो लग रहा है और कितना खूबसूरत जो है वो नज़र आ रहा है। तो दोस्तों हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इसको जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि इसका जो मोटिव है वो भी मुकम्मल कर दिया गया है और इसके ऊपर जो है वो मोटिव लगा दिया गया है। तो इंशाल्लाह आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में और कोई जो है वो प्रोसेस जो है वो टाइल का दिखाएंगे। हमको अभी दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।